आज जो आंदोलन खानावरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है उसको 16वां दिन हो गया है, और जो हम केंद्र सरकार की मोदी सरकार की नीति देख रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रही है कि किसान मजदूर खेत मजदूर की कोई भी मांग मानने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है, वो भाग निकली है। अब उनका एजेंडा स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो आगामी इलेक्शन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से आपने कल सुना होगा हिमाचल की सरकार में जो कुछ हुआ, चलो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुद्दा आगे लाकर जिस तरह से मीडिया से किसान आंदोलन को डीरेल करने का भी सरकार का कि नया पैतरा था, और जो अभी जो हलके हैं दिल्ली के उनमें एक नई चर्चा छेड़ने की बात थी, तो मोदी सरकार को जो सरकारें चुनी हुई उनको तोड़कर अपने में लाने के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात का खेद भी है कि उनको देश के 60 करोड़ किसान और 20 20 करोड़ से अधिक खेत मजदूर के लिए जो मांगे हमने उनके समक्ष रखी है उनकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहे हैं, और इसलिए ये हम देश के किसान और खेत मजदूर को आह्वान करना चाहेंगे आज कि आप इस आंदोलन को आने वाले समय में, ये चल रहा है लंबा चलेगा और तेज करेंगे, और इसके लिए आप तैयार रहें, और हम सरकार के समक्ष ये बातें फिर रखना चाहेंगे कि पूरा देश की मांग है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हो, चाहे गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक हो, भी हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून चाहिए, और अगर ये कानून बना देते हैं तो भारतवर्ष में जितनी भी खेती है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी और देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान खेती सेक्टर का होगा। और दूसरी बड़ी मांग हमारी खेत और किसान और खेत मजदूर के कर्ज खत्म करने की है। ये बड़ा मुद्दा है, ये देखिए आज भी दिन चढ़ गया, अभी से लेकर शाम तक 118 किसान कर्ज के कारण खुदकुशी कर जाएंगे, तो ये कितना बड़ा दुखद है। हर रोज किसान और खेत मजदूर 118 कर्जे के कारण खुदकुशी करते हैं, तो इसके ऊपर भी केंद्र को बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये आपका सबसे बड़ा ये किसान परिवार है, और देखिए जितना रोजगार खेती में है उतना रोजगार और कहीं भी नहीं है। जिस तरह से हमने WTO की नीतियों के ऊपर प्रहार किया था, उस प्रहार को डीरेल करने के लिए जो नई बात उभरी है ये भी थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा उभर गया किसान आंदोलन की, ये बड़ी देन थी कि हमने देश के समक्ष जो है कारपोरेट घराने की पॉलिसी रख दी, और देश अब तैयार था कि क्या हमारे देश को विश्व व्यापार संस्था से क्यों ना बाहर आ जाएं। तो ये दबाव केंद्र सरकार के ऊपर था, उन्होंने अपना दबाव डीरेल करने के लिए इस तरह का कार्य किया है। और देखिए लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से अब हमने खबर दी, अभी हरियाणा में हमने पहले आपको बोला था 50,000 अर्धसैनिक फोर्स वहां, अब जो जो इनकी रिपोर्टें आ रही है 70,000, लगभग 70,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में लगे हुए हैं। हमने किसी किसान आंदोलन में अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल किसान और खेत मजदूर पर करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने अच्छा किया, महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुंबई में बड़े पैमाने पे लोग आए, उनका हक था, उनको आपने प्रदर्शन करने दिया, अच्छी बात है, यही तरीका होता है। जिस तरह से नखलऊ में स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ये भी आपने करने दिया, अच्छी बात है। तो भाई किसान मजदूर के ऊपर क्यों पाबंदी लगा रखी है? अभी आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन या हमारी देश की राजधानी में जा नहीं सकते, बैठ के शांतप्रिय तरीके से आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो ये किस किस्म की रुकावट है? तो मोदी जी पूरे देश के आंदोलन को पंजाब में रोक कर ये पंजाबियों का हरियाणियों का आंदोलन बताना चाहते हैं। देखिए आरएसएस की ये नीति रही है, पीस आंदोलन को सिखों का आंदोलन कहा जाए। मुझे नहीं लगता आरएसएस जो कर रही है देश की एकता और अखंडता के लिए ये उचित होगा, तो उन्हें
ये देश के 60 करोड़ से ऊपर किसान और अगर खेत मजदूर की करें तो वो 80 करोड़ बन जाते हैं। उन सबकी मांग है भी हमारी एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिले, जैसे लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। ये कौन देश के वासी है जो मांग नहीं करते। अब देखिए, ये सरकार किसानों के कत्ल करने वाली, किसानों को शहीद करने वाली सरकार साबित हो रही है। अब इसका आंकड़ा देखिए, हमारे 5 आदमी एक पत्रकार लखीमपुर खीरी में इन्होंने शहीद किया। अगर आपको हरियाणा का पता होगा तो सर के ऊपर लाठियां चलाकर जो सुशील कांजला जी थे हमारे शहीद, उनको शहीद किया गया था। और अभी शुभकर्ण सिंह को शहीद किया गया, और दिल्ली में नवरी सिंह जी डिबडिबा को शहीद किया गया था। तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के जो सीधे सीधे उन्होंने शहीद किए हमारे किसान, तो आप उनकी तादाद देख लें, तो क्या केंद्र इस तरह से देखना चाहता भी किसानों की शहादतों वाली सरकार बनना चाहती है भी, जो किसानों के कत्ल करती है, किसानों के ऊपर जबरदस्त लाठियां बरसाती है? तो क्या देश आने वाले समय में ऐसा फैसला करेगा कि जो किसानों की कातिल सरकार है अब उसके साथ रहना है, या आपने आंदोलन करना है प्रिय ढंग से, शांतमय ढंग से? हम पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, और बड़ा होगा आंदोलन। आप देखिएगा, कोई राज्य नहीं रहेगा जो प्रदर्शन नहीं करेगा। जिस तरह से पिछले समय में हमने बोला था, यह सबसे बड़ी पहली बार बात हो रही है कि आदिवासी परिवार हमारे साथ आ रहे हैं, तो खबरें थी भी 37 जिलों में उन्होंने हमारे हक में प्रदर्शन किया, बड़े बड़े परिवार हैं, और उन्होंने कहा भी हम नॉन कम्युनिस्ट हैं, ये भी उन्होंने लिखकर भेजा है। तो ये बातें देश सारा देख रहा है। हम तो कहेंगे भी भगवान केंद्र सरकार को, स्वयं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, और वो किसान आंदोलन पर अर्धसैनिकों की दुर्वर्तों जो हो रही है, जो ताकत का इस्तेमाल हो रहा, उस रास्ते को छोड़कर किसानों को अपनी राजधानी में बैठने का, पीसफुल ढंग से आंदोलन करने का अधिकार दें। और सबसे बड़ी बात है जो हमने मांगे, हर मीटिंग में चर्चा हो चुकी है, चर्चा में सभी बातें क्लियर हो चुकी है, अब तो केंद्र सरकार उन मांगों का ऐलान करें, स्वयं प्रधानमंत्री आगे आए, इसीलिए इस आंदोलन का सुखद हल किया जा सके। आपने शुरू में हिमाचल का जिक्र किया, तो एक बार उसको जरूर बता दीजिए दोबारा से पूरे मामले पर, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मामला किसानों के आंदोलन से कहीं ना कहीं रिलेट चीजें हो रही हैं? देखिए, जो WTO की नीति है उसके पीछे कारपोरेट घराने हैं, दुनिया की सरकारें वह चलाते हैं। अब जब हमने बिल्कुल नीतिगत ढंग से ये देश की पटल पर ये मुद्दा उठाया, असल में हमें जो MSP लीगल गारंटी कानून जो नहीं मिल रहा है, या देश की हमारी खेती जो घाटे की खेती हो रही है, उसके पीछे कारण क्या रहे हैं? तो हमने जब समीक्षा की है, 1995 में जो विश्वपार संस्था के साथ भारत सरकार का समझौता हुआ, उसमें एक खेती सेक्टर में भी समझौता हुआ था कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, इस तरह के बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इसलिए हमें ये चीजें नहीं मिल रही जब तक भारत WTO से खेती सेक्टर को बाहर नहीं करेगा। इससे पहले का भारत का जो खेती मॉडल था वो आजाद खेती मॉडल था, जो हमारे देश के अर्थशास्त्री से खेती के माहर थे, वो अपने ढंग से इस खेती को निर्णायक भूमिका निभा पर चलाते थे। जो जो अलग अलग राज्यों की मांग थी, अलग अलग हमारी फसलें थी, हमारी आबो हवा, हमारा सब तरह का मौसम, उस तरह ढंग से हम जो फसलें उगाते थे। तो इतना बड़ा जब मुद्दा बन गया और पूरी देश दुनिया में उभर गया, और मुझे लगता है विश्व व्यापार संस्था भी घबराई होगी भी हमारे खिलाफ पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह से आज भी अभी आबू धाबी में मीटिंग WTO की चल रही है, अब वो निर्णय लेंगे आजकल में क्या करते हैं, तो वहां भारत सरकार के नुमाइंदे भी, तो उसको डीरेल करने के लिए किसान आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको डीरेल करने के लिए इस तरह का जो हिमाचल का प्रकरण है हमारे सामने आया है। तो हमें लगता है भी जो केंद्र के जो ध्यान है, केंद्र जिधर ध्यान दे रहा, तो वो अन्य पार्टियों की सरकारों को तोड़ के अपने में विलय करने में, या देश की सत्ता किस तरह से
हासिल की जाए उसमें लगा हुआ है। तो हमने वो आपके देश के सामने वार्ता रखी भी केंद्र को, जो इतनी बड़ी आबादी है, देश की 60% से ऊपर किसान की आबादी है, खेत मजदूर है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए, एक बड़ा हिस्सा हमारे दलित का, खेत मजदूर का है। हमने कहा नरेगा पर, देखिए नरेगा तो सरकार ने खुद चलाई हुई है, भी आप 100 दिन का बोलते हैं तो जो सरकार की कैलकुलेशन आई है वो 54-55 दिन हमें रोजगार मिल रहा। तो हमने कहा 200 दिन रोजगार दे दिए, तो बजट का ही सवाल है ना, इसमें तो कुछ नहीं, रोजगार की बात कर रहे हैं भी हमारे लोगों को रोजगार मिले और ये नरेगा का कार्य जो है खेती सेक्टर में डाल दें तो उस काम की कोई भी उसमें दुविधा नहीं होगी। तो इस तरह की जो खेत मजदूर और दलित किसान की जो जमीन खेतों में काम करते हैं उनकी मांग पर ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो हमने सारी वार्ता उनके समक्ष रख डाली है उनके ऊपर ध्यान देने के अलावा अकेले दूसरी चुनी हुई सरकारों को अपने में विलय करने के लिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कांग्रेस अच्छी रही है। कांग्रेस ने भी अपने समय में, जब कांग्रेस ने 1992 में ये तजवीजों के ऊपर साइन किए, तो सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस ने भी किया, और कांग्रेस भी जो कुछ अभी मोदी सरकार कर रही है अपने कार्यकाल में ऐसा करती रही है। लेकिन अभी जो देश में आंदोलन चल रहा है उस पर ध्यान देने के अलावा अभी केंद्र सरकार अपना चोन कैसे जीती जाए, तो मुझे लगता सत्ता हथियाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और इतने बड़े जो किसान मजदूर जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश किसान और खेत मजदूर से बनता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा।